दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो का विषय है गलतियां जिनकी वजह से असफल होते हैं हम आईएएस बनने की चाह में। दोस्तों इस वीडियो में जो चर्चा की गई है वो लेख मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज से मिला है। मैं उससे इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि हर व्यक्ति के पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये लेख मेरा नहीं है। मैंने इसको व्हाट्सएप से लिया है, किसी महानुभाव ने देश सेवा के लिए बहुत शानदार मैसेज लिखा है। मैं उस महानुभाव को, इस लिखने वाले व्यक्ति को सलाम करता हूं और उससे आशा करता हूं कि वो मेरी ईमेल varmasujit@yahoo.com पर मुझे संपर्क करे ताकि मैं उसका व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट कर सकूं। दोस्तों उसने अपने अनुभव के माध्यम से इस लेख को लिखा है और बहुत ही शानदार है। आशा है ये आपके काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गलतियां जिनकी वजह से असफल होते हैं हम। दोस्तों आईएएस बनना हर किसी की चाह होती है। ये एक वो सुनहरा ख्वाब है जो लाखों युवाओं के दिल में पलता है। इसको पूरा करने के लिए हर एक अभ्यर्थी जी जान लगा देता है, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करना हमें आईएएस बना सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं। आईएएस बनने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ बहुत कुछ और भी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपके बीच अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं और उन गलतियों को आपके सामने रख रहा हूं जो हमारी सफलता के आड़े आती हैं। इनके कारण या तो व्यक्ति समय से अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाता है या ख्वाब से चूक जाता है। दोस्तों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगर ये आपका मंत्र है और आईएएस बनना आपकी चाह है तो कृपया करके इन गलतियों को ना दोहराएं। शुरुआत करते हैं गलती नंबर एक। सबसे पहले गलत शुरुआत। अक्सर जब लोग तैयारी के क्षेत्र में आते हैं तो जोश से भरे हो परिपूर्ण होते हैं, वो बिना कुछ जाने समझे अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, वह पंप मारे हुए एक जोश से फूले हुए उस गुब्बारे की तरह स्थायी होते हैं, लेकिन जोश आवश्यक है आपके लक्ष्य पाने के लिए। इसके साथ साथ इच्छा शक्ति, अटूट विश्वास, मानसिक रूप से हार को सहन करने की शक्ति, इन सब विशेषताओं की आवश्यकता होती है। अगर आपकी शुरुआत ही गलत है तो लक्ष्य को पार पाना लगभग असंभव होता है। इसलिए शुरुआत, अपना पहला कदम, परीक्षा के बारे में बारीकी से, उसके सिलेबस की, एग्जाम की तैयारी की, किस तरह से उसमें एग्जाम में उसको लिखा जाता है और आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, संपूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए। दोस्तों जानकारी आपके हाथ में है, पूरी दुनिया की सूचना आज आपके हाथ में है। नंबर दो, परीक्षा के माध्यम का चयन। भारत में खास करके नॉर्थ इंडिया में लोगों को एक गलत फहमी है कि हिंदी भाषा में एग्जाम देना है तो उसमें सिलेक्शन कम होते हैं, केवल अंग्रेजी विषय से में ही ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। दोस्तों खैर ये बात सच है कि सफल विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा लोग अगर देखेंगे, प्रतिशत उनका देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा रखने वालों का है, लेकिन हिंदी भाषा से में जो चयन होते हैं केवल भाषा के कारण नहीं होते, उनके और भी बहुत सारे पहलू होते हैं। इसीलिए आप उस भाषा का चयन करें जिस भाषा में आप अच्छा लिख सकते हैं, उस पर आपकी पकड़ है और आप अपने भावों को बहुत अच्छी तरह से उकेर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम जो लिखित होता है उसमें जो अंक मिलते हैं वो भाषा के चुनाव से नहीं, आपके उत्तर की क्वालिटी कैसी है, आपके आंसर की जो क्वालिटी है, प्रश्न से संबंधित कितनी क्वालिटी है, उसके आधार पर मिलते हैं। इसीलिए आवश्यक नहीं है कि परीक्षा की जो भाषा एक ही हो, आप किसी भी भाषा में जिसमें आपकी पकड़ है उसमें आप अपना
शुरुआत कर सकते हैं और उसको चयन कर सकते हैं। नंबर 3, वैकल्पिक विषय का चयन। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर देखा गया है कि लोग अपने वैकल्पिक विषय का चयन अपनी इच्छा अपने इंटरेस्ट के आधार पर ना करके पिछले वर्षों में उस विषय के कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी संख्या को देखकर कर लेते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती का कारण बनता है। विषय का चयन आपके अपने इंटरेस्ट पर और किस विषय में आपकी पकड़ है और उस विषय में आज तक आपने कितना समय दिया है उसको देखकर चुनिए। उस विषय का चयन जिस विषय में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, नेचुरल महसूस करते हैं, पढ़ने में आनंदित महसूस करते हैं और अपने प्राप्त ज्ञान को परीक्षा में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, उसी विषय का चयन कीजिए। नंबर 4, मार्गदर्शन। गलत मार्गदर्शन आपके जीवन के बहुमूल्य वर्षों का विनाश कर सकता है, आपके मोटिवेशन को लेवल को घटा सकता है। इसलिए हर किसी के अंधभक्त ना बने और अपनी बुद्धि एवं विवेक का भी प्रयोग करें। यह सही है कि एक सफल व्यक्ति उसने क्या किया ये बता सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो आपके लिए आप सही हो, आपके लिए लागू हो। इसके साथ साथ क्या जरूरी है, सफल व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है असफल व्यक्ति से भी मिलना, क्योंकि वह आपको उन गलतियों को बताएगा जिनका वो साक्षी रहा है, जिसने उसको जिन गलतियों को उसने किया और जिसके कारण से वो सफल नहीं हो पाया। दोस्तों गलतियों को जान लेना भी बहुत जरूरी है, ये जीवन बहुत छोटा है, गलतियां करके नहीं सीखा जा सकता, दूसरों की गलतियों से सीखिए। और ये दोनों बातें जानना आपके लिए जरूरी है कि सफल के साथ साथ असफल व्यक्ति से भी मिलिए, क्योंकि दोनों आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग संदर्भ से राह दिखाएंगे जो आपके लक्ष्य को भेदने में आपकी पूरी मदद करेंगे। अगला नंबर 5, अध्ययन सामग्री। तैयारी में आते ही लोग इस माया जाल में उलझ जाते हैं कि बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी जो आपको ये दिखाएंगी कि 100% गारंटी है, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर, बहुत सारे आपके ट्यूशन सेंटर अकेडमीज आपको अट्रैक्ट करेंगी। और इसके कारण से क्या होता है, लोग ऐसी ऐसी किताबें ऐसे ऐसे नोट्स खरीद कर अपना रैक सजाने में लग जाते हैं। दोस्तों याद रखिए महत्वपूर्ण कड़ी क्या है इसमें अध्ययन सामग्री के लिए, एनसीईआरटी के साथ प्रत्येक विषय से 2-3 अपेक्षित किताबें और 2-3 मासिक पत्रिकाएं के साथ साथ जो उससे पहले के वर्ष के जो प्रश्न पत्र थे वो ले लेने चाहिए, उनकी तैयारी कीजिए, उनको जी जान से पढ़िए समझिए। और जब परीक्षा निकट हो तो टेस्ट सीरीज कई भी कोई एकेडमी करवाती है ज्वाइन कीजिए और उनको हल कीजिए बिल्कुल पूर्ण समय में, एक रियल टाइम एनालिसिस कीजिए अपने आप का। किसी भी एक या दो कोचिंग और किसी अनुभवी अभ्यर्थी के एक ऐसे नोट्स जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करते हैं और आपकी समझ में आ रहे हैं आपकी तैयारी के लिए काफी होते हैं, लक्ष्य भेदने में आपकी वो मदद करते हैं। नंबर 6, रणनीति। दोस्तों अगर रणनीति आपके पास नहीं है तैयारी की तो आप उस सिपाही की तरह हैं जो युद्ध में तो जाता है लेकिन अपनी बंदूक साथ नहीं रखता। जिस तरह अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया था बिना रणनीति के व्यक्ति वैसा होता है। बहुत से अभ्यर्थी कोई भी रणनीति नहीं बनाते या फिर गलत बना लेते हैं, आसपास से पूछ लेते हैं, इंटरनेट की सहायता से गूगल पर ढूंढ लेते हैं, वो किताबें खरीद लेते हैं जो प्रसिद्ध लेखकों की रही हैं, जिन्होंने अपने अनुभव लिख दिए हैं उन सबको खरीद लेते हैं। और दोस्तों पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है और आपके लिए वो घातक हो जाता है। सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की सभी आवश्यक किताबें खरीदें जो आपके विषय से संबंधित हैं और जो आवश्यक हैं, उनको पढ़ें। पढ़ने से काम नहीं होगा, उनको समझें। साथ साथ में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र कम से कम 2-3 बार स्कॉलर की तरह एक नजर डालें, हिम्मत से उनको पढ़ें, समझें क्या कंसेप्ट उसमें दिए गए हैं उनको समझें। दोस्तों कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि यह आपके मूलभूत ज्ञान को सुदृढ़ करता है, उसकी नींव डालता है। अगर नींव मजबूत होती है मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं है, इसके पश्चात दूसरी किताबों की औरत बढ़ाएं जिनको हम रेफरेंस बुक्स कहते हैं। दोस्तों आपकी रणनीति जीत के लिए होनी चाहिए, लक्ष्य के भेद के लिए भेदने के लिए होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। नंबर 7, पढ़ने का तरीका।
बहुत से अभ्यर्थी दिन रात पढ़ने में लगे रहते हैं क्योंकि पंप से फूले हुए जोश से भरे होते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं होते। हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं यह मायने नहीं रखता है, हम क्या और कैसे पढ़ रहे हैं यह मायने रखता है। आप एक बार में दो विषय उठाइए और दिन में जितने घंटे पढ़ते हैं उनको दो दो घंटे के स्लॉट्स में बांटिए। जैसा कि जिस महानुभाव ने इस लेख को लिखा है, दोबारा से मैं उसको सलाम करता हूं, वो बताते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो इसको 4 भागों में बांट लीजिए और 2 घंटे का एक स्लॉट समसामयिकी, न्यूज़पेपर, कंटेम्परेरी इशू आदि को दीजिए। 2 घंटे का समय अपनी वैकल्पिक विषय को दीजिए जो आपने चुना है। बाकी 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स, 2 विषय जो आपको पढ़ने हैं उनको दीजिए और हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद थोड़ा दिमाग को आराम दीजिए, क्योंकि दिमाग जितना आराम मिलेगा वो उतना ही स्वस्थ होगा और जितना स्वस्थ होगा उतना ही आपके परिणाम बेहतर आएंगे। और जब आप लेटने लगे, सोने लगे, तो आज आपने क्या पढ़ा उसका मूल्यांकन कीजिए, रियल टाइम एनालिसिस कीजिए। ये आपके पढ़ने का तरीका आपको लक्ष्य भेजने में आपकी मदद करेगा। नंबर 8, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये बहुत ही आवश्यक है। अक्सर अभ्यर्थी जोश में होते हैं, जब वो शुरू शुरू में आते हैं, जब उनको मोटिवेट किया जाता है तो निरंतर 10 से 12 या इससे अधिक 14, 15, 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन बीच बीच में जाने अनजाने में 8-7 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद अपना गैप मार जाते हैं, घूमने चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, समय बिताने लग जाएंगे, इधर उधर फिल्म देखने लग जाएंगे, जो कि उनकी जो निरंतरता एक कंटिन्यूटी एक बनी हुई थी वो बाधित होती है, उसमें रुकावट आती है और लक्ष्य भेदने में समस्या उत्पन्न होती है। इसका जवाब है दोस्तों, एक दिनचर्या बनाइए। अगर आप जॉब करते हैं तो उसके हिसाब से बनाइए, या फिर केवल आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप बनाइए, और अगर आप दिनचर्या बना ली है उसका दृढ़ता से पालन कीजिए। मनोविज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, मनोविज्ञान के टीचर्स हैं, हम लोग जैसे हम बताते हैं कि लोग शुरू शुरू में अपनी प्लानिंग बना लेंगे, नए साल पर रिजोल्यूशन कर लेंगे, लेकिन वो 1 या 2 दिन चलता है, उसके बाद चलता ही नहीं, उसके बाद छोड़ देते हैं। कारण, क्योंकि दृढ़ता से उसका पालन वो नहीं कर पाते और अपने मानसिक स्थिति का और मन का पूर्ण मूल्यांकन वो नहीं कर पाते, केवल जोश में आकर एक दिनचर्या बना लेते हैं और 1 या 2 दिन पालन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर वो लोग ऐसा करते हैं उनके परिणाम भी उसको वैसे ही मिलते हैं। इसीलिए निरंतरता पढ़ाई में, आपके दिनचर्या में एक बहुत ही शानदार मानक है आपको लक्ष्य पहुंचाने के लिए। नंबर 9, समाज जीवन का त्याग। यह सही है कि यदि आपको अपना लक्ष्य को पाना है तो कुछ समय के लिए, मैं उसको कहूंगा अस्थाई रूप से, सामाजिक जीवन से थोड़ा दूर हो जाइए। सामाजिक जीवन जरूरी है, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए अस्थाई रूप से उसे दूर हो जाइए, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पढ़ाई के दौरान आपको असफलता भी मिलेगी, पढ़ाई के दौरान आपको अकेलापन महसूस होगा, पढ़ाई के दौरान हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाए, अवसाद में चले जाए, आपको अधिक चिंता हो जाए, या कोई ना कोई आपको ऐसे एक अलग रहने से मानसिक शांति में डिस्टर्बेंस हो जाए। ऐसी स्थिति क्या होगी, आपके जो निरंतरता बनी हुई है, जितनी आपने मेहनत की है, उसके लिए खतरनाक हो जाएगी, आपके लक्ष्य को पाने में वो बाधा बन जाएगी। फिर क्या होगा, इससे बचने का क्या तरीका है, अपने विवेक और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई और समाज के बीच, यानी समाज के संबंधों के बीच संतुलन बनाइए। ये संतुलन आपकी अपनी कितनी जरूरतें हैं उस पर आधारित होगा, ना कि दूसरे लोगों की। किसी को, दूसरों को देखकर आप ऐसा ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक होता है, उसकी जरूरतें अलग हैं। इसी प्रकार आप अपने विवेक और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने सामाजिक जीवन पर फोकस कीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ समय के लिए इसको आप त्याग सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी सफलता के लिए त्याग सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रूव किया कि वो अकेले जाकर मेहनत करके अपने लक्ष्य पा लेते हैं। दोस्तों, सामाजिक जीवन जीने के लिए तो पूरा जीवन बाकी है, लेकिन लक्ष्य बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए सामाजिक जीवन का त्याग। और अंतिम और 10वां, अपने शौक और खुशियों का त्याग। यह सोचना गलत होगा कि हमें सफल होना है तो हमारी जिंदगी में मौज मस्ती कोई जगह नहीं, बिल्कुल गलत है। जबकि होना यह चाहिए कि आप आवश्यकता अनुसार मनोरंजन कीजिए, गाना बजाना, फिर कोई खेल जो, या फिर आपका कोई शौक है उसको कीजिए। लेकिन इसके साथ एक लेकिन जुड़ा है
एक सीमा के अंदर रहकर, एक लिमिट्स में। क्यों? क्योंकि आपको अपना लक्ष्य ध्यान में रखना है हमेशा। सप्ताह में एक दिन या दो सप्ताह में एक दिन कुछ घंटे अपने आप को, खुद की खुशियों को भी दीजिए। जब हमारा मन खुश रहता है और दिमाग शांत रहता है तो हमारे दिमाग की क्षमता का हम पूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। और यही है दोस्तों कारण कि हम अपनी सफलता को चूम लेते हैं। दोस्तों याद रखिए, पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती और खुश रहने वाले लोग जल्दी सफल होते पाए गए हैं। और अंत में स्मार्ट स्टडी कीजिए और अपने लक्ष्य को भेज दीजिए। दोस्तों हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं एक बार फिर जिस महानुभाव ने, जिस व्यक्ति ने अपने अनुभव से यह लेख लिखा है, मैं उसको हृदय की गहराइयों से सलाम करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं चाहूंगा कि वो मेरी इस ईमेल पर मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करे ताकि मैं उसका आभार प्रदर्शन कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, यही हम फिर मिलेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई कुछ भी है तो आप मुझे मेरी ईमेल पर मेल कर सकते हैं। मैं आपका आभारी रहूंगा।